हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 23-25 का एग्ज़ाम चल रहा है। और देखिए, आज जो कोर्स 3 का एग्ज़ाम हुआ है, जो क्वेश्चन के बताए हुए थे उसी से रिलेटेड आया है। यूनिट 5 में थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए, लिखा हुआ है समय 3 घंटा, अधिकतम अंक 80। कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग होता है। देखिए, इसमें पहला बताए थे कि अधिगम पढ़ के जाइएगा, जिसी को सीखना भी कहते हैं। क्वेश्चन है, सीखने की प्रकृति को प्रभावित करने वाले मूलभूत सिद्धांत क्या है, समझे। यूनिट 1 में दूसरा क्वेश्चन है कि मानवतावादी शिक्षण सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या है तथा शिक्षण के लिए इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन मोटिवेशन बताए थे, पढ़ लीजिएगा कि प्रेरणा की अवधारणा क्या है और यह सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा क्वेश्चन है कि प्रभावी अध्ययन आदतें क्या है और छात्रों को उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए इन आदतों को विकसित करने और बनाए रखने में कैसे मार्गदर्शन दिया जा सकता है। अब आता है यूनिट 3 में कि शिक्षण से ही पूछा है कि नियोजित गतिविधि क्या है। प्रभावी शिक्षण के लिए पाठ नियोजन प्रक्रिया में शामिल प्रमुख तत्वों पर चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है कि चर्चा करें कि शिक्षा की व्यावसायिक पहचान क्या है और शिक्षण पेशे में इसका क्या महत्व है। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व छोटे समूह या संपूर्ण कक्षा की शिक्षण रणनीति के बीच चयन करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। 8वां क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थानों को अनुदेशात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने के महत्व पर चर्चा करें, यानी जो टीचिंग अर्ली मटेरियल होता है। शिक्षक कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उनके द्वारा चुने गए या विकसित किए गए संसाधन वांछित शिक्षण परिणामों का प्रभावी ढंग से समर्थन करता है। यानी कह रहा है कि जो आप शिक्षण मटेरियल चुने हैं तो उसको आप कैसे बताइएगा कि यह प्रभावी। यूनिट 5 में क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित कर सकता है और पूरे पाठ के दौरान उनका ध्यान कैसे बनाए रख सकता है। महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल के रूप में उत्तेजना, भिन्नता और सुदृढ़ीकरण के महत्व पर चर्चा करें। 10वां क्वेश्चन है कि पूछताछ आधारित शिक्षा सोच कौशल सिखाने और ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। क्या आप इन संदर्भ में अवधारणा प्राप्ति मॉडल के उपयोग पर चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा क्वेश्चन घुमा के यूनिट 5 में दिया था, समझे। अब यूनिट 4 का भी बता देंगे थोड़ा देर बाद में। थैंक यू।